हेलो एवरीवन, अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 35 तक। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को स्क्वायर रूट डिवाइड डिवीजन मेथड से निकालना सिखाया था, जिसमें हम लोगों ने 1 से लेके 20 क्वेश्चन को कवर किया था। ठीक है बेटा, अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 21 पहले सॉल्व करने जा रहे हैं और देखिएगा इसका स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाना है। ये है आपका 256 और बेटा ये है आपकी 40। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। तरीका हमने आपको बताया था, सबसे पहले पेयर बनाना है। ठीक है बेटा, तो पहले आपको ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया, एक पेयर। ठीक है ना, दो डिजिट का एक पेयर बनाना होता है। अगर यहाँ पर दो डिजिट नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, फिर हम सिंगल डिजिट का ही एक पेयर बना लेंगे। ठीक है बेटा, चलिएगा। अब हमें क्या करना होता है, ये इस तरीके से सवाल को तैयार करना होता है। हमने आपको क्या बताया था, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि 2 बन जाकर 2 चला दूंगा, वो गलत तरीका है। जो नंबर आप यहाँ लिखोगे सेम यहाँ लिखोगे। अगर मैं आपको देखो 2 लिखता हूँ तो फिर मुझे 2 यहाँ लिखना पड़ेगा और 2 हो जाएगा 4 और सवाल हो जाएगा आपका गलत। बताइए क्यों, क्योंकि भाई 4 तो इससे बड़ा हो जाएगा ना, इसलिए बेटा यहाँ पर 1 बन जा 1 चलेगा। समझ में आया। अब अगला स्टेप क्या होता है, हमें पहले इसे सब्ट्रैक्ट करना होता है और जो अगला पेयर है दो डिजिट का बना हुआ उसको से उतार लेते हैं। ठीक है, और इन दोनों को क्या कर देते हैं, आपस में जोड़ देते हैं, मींस ऐड कर देते हैं। अब क्या करना है, यहाँ पर एक ऐसा नंबर लिखना है जिससे कि पूरा नंबर कैंसिल हो जाए या इससे कम आ जाए। ठीक है, तो क्या आएगा बेटा, यहाँ पे 6 चल जाएगा, नहीं चल जाएगा बेटा 6 क्या होता है 36, 3 कैरी हो गए, 6 2 12 3 ऐड करेगा तो आपका आंसर आएगा 156, कैंसिल हो गया। अब इन जीरो का क्या करना है, देखिए हम छोड़ते हैं, तो पहले आपको ये 2 जीरो यहाँ पर उतारनी है। ठीक है, 2 जीरो, अब ये तो इसमें आपका था सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि 26 में आप देखो 26 में ऐड करेंगे 6 तो क्या हो जाएगा 32। बताया था ना लास्ट में मैंने आप लोगों को, ये तो पूरा नंबर लेना होता है आप लोगों को, ऊपर जो नंबर होता है लास्ट डिजिट लेनी होती है हमेशा, तो लास्ट डिजिट 6 है, 6 में आपने 26 ऐड किया 32 आया। ठीक है, अब आपको लगता है 32 के टेल में क्या जीरो आता है या फिर ऐसे जीरो आएगा, नहीं आएगा ना, तो ऐसे ही हमें क्या करना होता है, 2 जीरो के लिए हमेशा 1 जीरो लगाते हैं, फिर ये 2 जीरो उतारेंगे, फिर से क्या करेंगे आप बस यहाँ पर 1 जीरो और लगा देना। मींस अगर लास्ट में कभी कभी 0-0 मिलता है तो 2 जीरो के लिए 1 जीरो, फिर 2 जीरो के लिए 1 जीरो, समझाया इस तरीके से। और बाकी बना भी आपको करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही आप उसको छोड़ सकते हैं। आपका जो 256 4 टाइम्स 0 का जो आंसर होगा वो होगा 1600। कर लेंगे इस तरीके से। चलिए, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो इसी तरीके से आप ट्राई करिएगा क्वेश्चन नंबर 6-5 की। ठीक है, हो सकता है आपको एक लॉजिक मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी 25 का स्क्वायर होता है पता आप लोगों को। ठीक है, अब 2 जीरो पे 1 जीरो लगानी है। ठीक है, 1 जीरो 1 जीरो कितना हो जाएगा 2500 इसका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए 23 की बात करते हैं। 23 है आपका बेटा 20736, इसको सोल्व करना है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे देखिएगा, पहला स्टेप है लास्ट की 2 डिजिट का पेयर बनाना है, फिर एक पेयर और बन गया जिसका नहीं बना तो सिंगल का हमने मार्क लगा दिया। ठीक है बेटा, चलिए अब फिर से 1 1 1 ही चलेगा, 2 2 4 नहीं होगा, 2 1 2 नहीं होगा, जो सेम वैल्यू यहाँ पर होगी वही ऊपर होगी, 2 1 क्या होगा 2। अब क्या करना है, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है और ये क्या बचेगा आपके पास 07, 1 1 क्या हो गया 2। ठीक है, अब यहाँ पर हमें चलाना है, जो नंबर यहाँ लिखेंगे सेम यहाँ होना चाहिए या तो सेम वाले या सेम काम आ जाए। तो देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5, ठीक है सपोज के लिए 5 लिखा, तो 5 मुझे यहाँ भी लिखना पड़ेगा और 25 की 5 में मल्टीप्लाई करने के बाद आता है 125, जो कि इससे क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा। तो हम लोग बेटा क्या चलाएंगे यहाँ पे 4 चलाएंगे, क्या चलाएंगे बेटा, अब 4 यहाँ है तो 4 यहाँ भी आएगा, दोनों मल्टीप्लाई करिए 96 हुआ। अब आपसे सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा बताइएगा, ये बचेगा आपके पास 11, क्या उतार लेंगे 36। समझ में आया। अब क्या करना है, ये तो पूरा लेना होता है, ऊपर 40 नहीं ऐड करना है, लास्ट के डिजिट 4 है, 4 इसमें ऐड होगा, 24 में 4 ऐड करिए तो टोटल हो जाएगा 28। ठीक है, अब ऐसा यहाँ पे नंबर लेना जिससे कि आपका कैंसिल हो जाए, क्या लिखिए यहाँ पे बताओ, चलो 6 चला देते हैं, 6 12 नहीं चलेगा, तो क्या चला बेटा बताइए, 4 चलाने से 4 जा से रहेगा ना, 6 से ज्यादा आ रहा है क्योंकि 4 का मतलब क्या रहेगा, 4 4 16। ठीक है बेटा, 1 कैरी हुआ है, 4 8 32, 1 एड करा 33, 3 कैरी हुआ है,
फोर टू सा एट थ्री याद करेंगे तो वही आपका आंसर आ जाएगा। क्या समझ में आप लोगों को? और स्क्वायर रूट अब अपने आप से आप लिख लेते हैं, इस तरीके से स्क्वायर रूट का मार्क लगाना है और आंसर आ जाएगा 144। कर लेंगे बेटा इस तरीके से। चलिए वेरी गुड नाइस। आप बताइए कौन सा क्वेश्चन करा जाए। देखिए सब एक ही टाइप के क्वेश्चन है, कोई ऐसा नहीं कि अलग अलग है, बस थोड़े छोटे बड़े हैं वो अलग बात है, लेकिन टाइप सबका सेम रहेगा। चलिए इसको निकाल के दिखाते हैं। 5396239 ठीक है, कौन सा है 24। उसके आगे आप कुछ करके देखेंगे फिर, ये है आपका 5396। अच्छा 96329 329। पहला अब बताइए पहला टास्क क्या है हमारा। पहला टास्क है कि हमें पहले यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर इस तरीके से पेयर बनाने होते हैं। ठीक है बेटा, नंबर सुनता है आपके क्या करना है, यहाँ पर जो नंबर लिखेंगे सेम यहाँ लिखेंगे, लेकिन दोनों की मल्टीप्लाई या तो 5 या फिर 5 से कम होना चाहिए। तो क्या चल जाएगा, 2 2 4, क्या बचेगा 1, क्या उतार लिया 39। आप लोगों को अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। 2 और 2 कितना होता है 4, 4 यहाँ पर आ गया। अब बताइए क्या करेंगे, ये तो ऑलरेडी बता चुके हैं, तो यहाँ पर जो भी नंबर लिखेंगे सेम यहाँ आएगा, मल्टीप्लाई होकर यहाँ आएगा। 3 रख के देखें, 4 4 16 ज्यादा हो जाएगा, तो हम 3 रख के देख लेते हैं, तो ये आ जाएगा 129। कितना है बेटा आपका, 4 रखने पर, नहीं 3 रखने पर, सॉरी 3 रखने पर आ जाएगा 129। ठीक है, अब क्या करना होगा, इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा। सब्ट्रैक्ट होकर कितना आ गया 10। अब क्या करना है आप लोगों को, 63 उतार लेना है यहाँ पर। ठीक है बेटा, आप बताइए, अब ये नंबर पूरा लेना होता है 43, ऐड क्या करना है ओनली 3, कितना हो जाए टोटल 46। ठीक है, ये तरीका है डिवीजन मेथड से इसका रूट निकालने का। चलो यहाँ पर देखो 2 जा चलेगी, देखो अगर हम दिमाग लगाएगा, छोटा सा दिमाग लगा लेते हो, जैसे ये आपका, आपने सपोज यहाँ पे 3 माना है, 3 मानोगे तो फिर ये 4 से 12 हो जाएगा, देखो तो ज्यादा हो जाएगा ना पहले 2 डिजिट से, तो आप दिमाग लगा सकते हैं यहाँ पे, 2 जा चला लीजिए इसमें एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2 यहाँ देखेंगे, 2 2 4, 12 1 कैरी, और ये हो जाएगा 9। ठीक है, मल्टीप्लाई आप अलग पेज पर भी करके देख सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए क्या बचेगा 9 3 और ये 1, क्लियर है। अब क्या उतारना है 29, 29 उतारेंगे। अब क्या करना होगा, इस पूरे नंबर में जो लास्ट की डिजिट आपने चली थी, एस्टिमेट 4 मतलब 2 चला था, वो इसमें ऐड कर देना है। तो 462 में जब आप 2 ऐड करते हैं तो वो हो जाता है 464, लास्ट में आ रहा है 9। ये या तो देखो 3 रखने के बाद आएगा, ठीक है, या 7 रखने के बाद आता है, क्योंकि 7 7 जब 49 होता है लास्ट में 9 मिल जाएगा, या फिर 3 3 जाना होता है। अब आपको ये भी देखना है 4 3 या 12 आस पास में आना, देखिए 6 3 या 18 होता है, ओके हमारा 1 चाहिए लगेगा, 12 1 कितना रहेगा 13, मींस आप 3 रखने पर ही ये आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 13929। इस तरीके से आप लोग सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और यहाँ पर आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट 5396329 का जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 2323। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, और अब आप इस तरीके से इनको करने की कोशिश करेंगे, ये सब ऐसे हो जाएंगे। ठीक है बेटा, आप इसे करके देख सकते हैं, इनमें से किसी को भी करके देख सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने आप लोगों को 4 डिजिट 5 डिजिट करके दिखा दिया था, 6 डिजिट इवन भी गया था। अब हम थोड़े से जो है बड़ी डिजिट के क्वेश्चनों को सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए 24 अब हटा देते हैं यहाँ से, पहले ऐसा कर लेते हैं, ये वाला नंबर लेते हैं 1 2 3 4 5 4 2 1, ये तो पता भी होगा आपको अगर किसी के बच्चे को, तो ये पैटर्न बना हुआ है। तो ये है 1 2 3 4 5 4 3 2 1। ठीक है, ये जब भी होता है तो हमेशा ये 11 या 1 1 या 1 1 1 इस तरीके से, लेकिन अभी आपको समझ में नहीं आएगा, पहले इसको हम सोल्व करके दिखा देते हैं। चलिए ठीक है बेटा, इस तरीके से बन गया। बताओ क्या करना है, पहले 1 का पेयर है क्या है ना, तो 1 बन जाओ 1 ही चलेगा यहाँ पे, तो यहाँ पर 1 बन जाओ 1 चलेगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब बताइए क्या करना है, अब हमें 23 यहाँ पर लिखना है। ठीक है बेटा, इन दोनों को ऐड करना है, कितना हो जाएगा 2। तो आप देखिएगा, मैं 1 जा चलेगी 2 जब इसमें चलेगा नहीं, तो 1 जा चला लेते हैं और ये हो जाएगा 21। समझ आ रहा है आप लोगों को, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 बचेगा, क्या बता दिया 4 5, क्लियर है। अब क्या करना है बताइए, इस पूरे नंबर में लास्ट का नंबर जोड़ना होता है, ये जोड़ा तो कितना हो गया आपका 22। फिर से देख लीजिएगा, 1 जा चलेगा 2 जाओगे तो ज्यादा हो जाएगा ना बेटा, तो ये हो जाएगा आपका 2 2 1,
और बताइए आगे क्या करेंगे आप, ये आपका 4 बचेगा, ये 2 बचेगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, 43 उतार लेना है, ठीक है। चलिए वेरी गुड, और बताओ इसमें क्या करेंगे, लास्ट का डिजिट जो था ये जोड़ा कितना बेटा, 2 2 2। अब देखो 2 ज्यादा 4 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो बन जाए चलेगा, फिर से देखिएगा 1 1 में आंसर आ रहा है, ये पैटर्न बना हुआ है एक प्रकार से, तो ये 2 2 1 होगा। चलिए बेटा देखते जाइए आप, यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, समझ में आ रहा है ना, लास्ट का नंबर क्या है 2 1। अब क्या करेंगे आप लोग, इस वाले नंबर में लास्ट का नंबर जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 2 2 2 2, है ना, फिर 1 आएगा तो 1 यहाँ भी आ जाएगा, और फिर आप देखिएगा आपका से कितना सिंपल इजी, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। और इस पर अगर आप कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका आंसर 11111, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए अभी सब एक ही टाइप के क्वेश्चन है, अब आपको इसे करा लीजिएगा ये इसी तरीके से लेंथ में जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या इस स्पेस में वाला क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, क्या लास्ट का कर ले डायरेक्टली, क्योंकि तो आप कर ही लेंगे, मैथ समझ आएगी आप लोगों को, इसे ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। और ये है 35 देखते हैं, और आप देखिए कि इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पेयर बनाना होगा, ठीक है बेटा। तो पेयर कैसे बनाते हैं, मैंने आपको बताया कि लास्ट के 2 डिजिट चुन लेते हैं, ये लिया फिर ये लिया फिर ये लिया फिर ये फिर ये और लास्ट में बचा ये, ठीक है बेटा। अब क्या करना होगा आपको पता होगा, बताइए क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ पर आपका क्या चलेगा, ठीक है ना। तो 1 1 1 चल जाएगा, तो 1 1 1 हो जाएगा, 1 बच गया आपके पास। फिर क्या करना है, 1 6 यहाँ पर उतार लेना है, 1 1 क्या होते हैं 2, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर आप लोग क्या चला सकते हैं, 4 जा 5 जा, देखो अगर मैं 5 लिखूंगा तो ये बन जाएगा 25, और 25 की 5 में मल्टीप्लाई करके बन जाएगा कितना टोटल आपका 125, तो ये तो इससे बड़ा हुआ ना, तो हम यहाँ पे क्या चलाएंगे, 4 जा चलाएंगे, 4 यहाँ लिखेंगे, टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद 0 ये 2, क्लियर है। अब क्या करना होगा हमें, 84 उतारना होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 84, ठीक है। अब ये बन जाएगा 2084। अब बताइए क्या करना है, अब हमें 24 में क्या ऐड करना है, 14 ऐड करना होगा, लास्ट का डिजिट जो होता है जैसे वो 4 है, तो 24 में आप 4 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 28, ठीक है। आप देखो इसमें क्या कराना चाहिए, 6 जा 7 जा 8 जा, तो मेरे हिसाब से यहाँ हम लोगों को देखो निम्न 18 होता है ना, 7 जा 8 जा 8 जा चला के देख लेते हैं, 8 से काफी आस पास में हम पहुंच जाएंगे, 64 6 कैरी 77 कैरी हो जाएगा, और 16 और 7 23, तो ज्यादा बैठा है बेटा, 7 जा ऐड कर लीजिएगा, 7 जा चलाइएगा इसमें आप, तो 7 जा से क्या आएगा 49, 4 लग गए यहाँ से 56 4 60, यहाँ से लग गए 6, और 14 6 20, और वेरी गुड, तो ये चल जाएगा 2009 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ भी 7 लिख दूँ, यहाँ भी 7 लिख दूँ, और ये होगा 02009। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा, देखो प्रोसीजर ये है, वो चाहे कितना भी बड़ा था तरीका ऐसे होता है। अब इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। चलिए पहले सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या बचता है देखेंगे, 5 बचेगा, 7 बचेगा, 0 हो गया खत्म। उसके बाद आपको ये जो है जैसे 91 उतारना है, आपको 91 उतार लेना है, इन दोनों को आपस में क्या कर देना है, ऐड कर देना है, लास्ट का डिजिट उसका, इसको पूरा नंबर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 294, एम राइट, अब 294। अब यहाँ पर हमें क्या चलाना है, बहाने चलानी है, देखते हैं कौन सा डिजिट चलेगा यहाँ से, 3 जा 4 जा, मेरे हिसाब से 4 जा ज्यादा हो जाएगा, 2 जा चल पाएगा बेटा, 2 जा चला के देख लीजिएगा आप लोग, मल्टीप्लाई 3 से भी करके देख सकते हैं, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, ठीक है, और 18 1 कैरी हो गया, और 2 2 जा 4 1 5, ठीक है। आपको लगा नहीं सर जी, हो तो शायद ये चल जाए, तो आपको देखो कुछ नहीं करना, 294 हमारे पास ऑलरेडी था, 2 जा चला के हम 3 जा चला रहे हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 9 12 का 2 1 कैरी हो गया, 27 8 2 कैरी हो गया, और 6 और 2 8 हो गया, देखो इससे ज्यादा हो गया नहीं हो गया, तो इसलिए आपको मिलता है कि 2 जा ही वहाँ पे चलेगा। चलो अब बताइए क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या बचेगा यहाँ पे 7 0, और ये भी 7 बचेगा सर, है ना बेटा, और यहाँ पे बचेगा 1, अच्छे तरीके से बनाना है, गलती हो गया तो दोबारा होगा,
तो यहाँ पर एक कह लिया 11, 11 हो गया 7 बचेगा, वो 0 और 15, 5, 7 बचता है और ये 1, ठीक है। अब क्या करना होगा, 56 हमें उतारना होगा, ठीक है बेटा। देखो 91 उतार चुके हैं, अब ये उतारना है 85। अब बताइए क्या करना है, इसमें क्या करना है, लास्ट का डिजिट 2 है, तो ऐड करो इसमें, कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 2944, ठीक है। इसमें चला लो 5 सा, ठीक है, 5 चला के देख लेते हैं, 2944, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 का आंसर होता है 25, 22, 22, 2 कैरी हो गया, 47, 4 कैरी हो गया, और 10, 4, 14 हो गया, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई भी एक बार करके देख लेते हैं, क्या होगा नहीं होगा, 20 तो 22, 20 तो 22, 2 कैरी, 47, 2 कैरी, और 47, ओके, इतने आ गए ना, तो ये है 147। देखिए कितना आप सवाल जो है, इसकी कैलकुलेशन जो है बड़ी हो गई है 225, लेकिन हमें डरना नहीं है, हम इसको करते रहेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। चलिए बाप, तो इतना समझ आ गया आप लोगों को, अब क्या करना है बताइएगा, अब आपको इसे सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट में क्या करेंगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 6, यहाँ पर 5, और यहाँ से कैरी लेंगे 10, तो 3, और ये बचेगा 2, ठीक है बेटा। अब क्या करना है, 64 उतार लेना है, उतार लिया 64, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, 5 ऐड कर दो, ये जो 45 है 50 हो जाएगा, कुल मिला के 29450, ठीक है। अब हमें क्या लाना है यहाँ पे, अब सिंपल 8 जैसा लगेगा ना बेटा, 8 से लगा के देखेंगे इसमें, या 2 जैसा ला ले बस, केवल 8 से क्या फर्क पड़ेगा, चलो देखना पड़ेगा बेटा, मल्टीप्लाई तो करनी पड़ेगी, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 7, 6 भी चल सकता है, 6, 2, 8, 16, नहीं जी बेटा, 16, 23, बिल्कुल ठीक है, इसमें बेटा 8 से ही चलेगा आप लोगों का, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 2, 3, 5, 6, 0, 6, 4 ही आएगा, और इस तरीके से आ जाएगा आपका आंसर। कुछ को डाउट जरूर हो रहा होगा, ऐसा करते हैं और मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 64 ही आ जाएगा, 0 वहाँ से लग गया आपके 6, 32, 6, 8, 40, 4, 25, हाँ 36, ठीक है बेटा, ये आएगा आंसर, करके देख लीजिए आप मल्टीप्लाई, सेम यही आंसर होगा। इस तरीके से आप लोग तो इस नंबर का जो है स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, फाइनली आप सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू दिस नंबर, यानी कि 1,47,258, ठीक है। इस तरीके से आप इन सवालों को करके देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अगली वीडियो में हम लोग आप पॉइंट के सवाल जो होते हैं कैसे करते हैं ये सीखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।